यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में पेंट कारोबारी के घर में डकैती पड़ी है। डकैती के बाद में घर में मौजूद महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। 5 बदमाश पेंट कारोबारी के घर लूटपाट करने के लिए पहुंचे थे और महिला घर में अकेली थी। विरोध करने पर महिला के साथ में दरिंदगी की गई। करीब 17 लाख के जेवरात और कैश बदमाश लूट के फरार हो गए हैं। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेंट कारोबारी के घर पर डकैती की गई है और साथ ही महिला के साथ में गैंगरेप भी किया है। 5 बदमाश पहुंचे थे और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम शर्मा जुड़ गए हैं। शिवम, एक बड़ी वारदात जिसमें 5 बदमाश घर पहुंचते हैं, लूटपाट होती है, साथ ही गैंगरेप भी किया जाता है, क्या ज्यादा जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला 13 तारीख की शाम का है। लगभग 7:30 के करीब अज्ञात 5 बदमाश घर में दस्तक कर जाते हैं छत के ऊपर से चढ़कर। जो महिला अपने घर अकेली थी और पूरा परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था, जिसके बाद उसके घर में लूटपाट करते हैं। लगभग इस घटना को अंजाम देने के लिए 25 तोले सोना और 2 किलो चांदी और 1.5 लाख की नकदी लेकर घटना दिया उसको अंजाम दिया जाता है। और जब इनका उसका वादी मन नहीं बता, बदमाश उस महिला को अकेला होते ही देखते हुए जब उसके बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले जांच की जा रही है। और अब फिलहाल जो लापरवाही जो निकल कर आई है पुलिस ने इस मामले संज्ञान लेते हुए और ऐसे को भी निलंबित कर दिया गया है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोटा, बूंदी और साथ ही अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे कोटा ग्रामीण के इलाकों में जनसभा होगी और बूंदी में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद में अजमेर को दोपहर 2 बजे जनसभा होनी है और दोपहर 3:35 पर पुष्कर, जबकि 4:45 पर किशनगढ़ में जनसभा होगी। विधानसभा इलेक्शन है राजस्थान में और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे और साथ ही बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं वो एक बार फिर से जनता के सामने रखेंगे। यूपी का मॉडल पेश करेंगे और साथ ही कानून व्यवस्था की बात भी आज सीएम राजस्थान की धरती से कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नीमक चौकी के पास में हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन की चपेट में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अज्ञात वाहन ने युवक को रौंद दिया था जिसके बाद में व्यक्ति की मौत हो गई और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छठ महापर्व और देव दीपावली को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी में सरकार सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नर अलर्ट हो गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। घाटों पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के आदेश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो छठ महापर्व जो कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे में महिलाएं घाटों पर पहुंचती हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो घाटों पर महिलाओं की सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएं, ऐसा निर्देश सीएम की तरफ से किया गया है और साथ ही देव दीपावली पर भी सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ने की अपील की है और मीडिया से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। जो बात दिल्ली तय है, लखनऊ तय है, अब जिस दिन होगा हो जाएगा। मंत्री ना बनने पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। जो बात दिल्ली तय है, लखनऊ तय है, अब जिस दिन होगा उस दिन हो जाएगा। मंत्री न बनने पर क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सूत्रों के हवाले से कुछ चैनल के साथियों ने खबर चलाई। देखिए, खबर सही होती है राजभवन से कोई सूचना हो या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई सूचना हो, तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है कि नहीं ये टल गया क्यों।
जब राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई सूचना ही नहीं तो उस पर तो जो सूत्रों के हवाले से खबर जिन साथियों ने चलाई अब तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना। एल्विश एल्विश मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य आरोपी राहुल की पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिल गई है। आज दोपहर 12 बजे से रिमांड शुरू होगी। नीली डायरी को लेकर भी सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दें कि डायरी की जांच के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। तो सांपों के वैनम से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिनके पास से सांप और वैनम भी बरामद किया गया था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने राहुल का नाम भी बताया। इसके अलावा एल्विश यादव का भी नाम सामने आया और साथ ही फाजिलपुरिया जो कि सिंगर है उनका भी नाम सामने आया। इससे पहले एल्विश यादव से पूछताछ हुई थी और अब राहुल की डायरी से कई बड़े सबूत पुलिस के हाथ लगे थे तो राहुल की रिमांड ली गई है और ऐसे में फाजिलपुरिया से भी आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है।